हेलो दोस्तों, मैं हूँ हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल रेडियो चैनल। आज हम आपको बताएंगे 10th क्लास का सोशल साइंस के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सोशल साइंस में बोल रहे हैं कि सर सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट दीजिए। तो हम जो इम्पोर्टेंट सेट आपको दे रहे हैं इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। जैसे तीन एक सेट तो पहले दे चुके हैं, इससे पहले तो हम हर सब्जेक्ट हर चीज़ को बताए हैं, फिर भी एक बार हम हर सेट को दे रहे हैं। तो इससे पहले कल एक सेट दिए हैं, आज फिर दे देंगे सब सेट, और इसके बाद और एक सेट देंगे। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन गेस किए हैं उसका आंसर सेट भी आप लोग को देंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आंसर के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर तैयारी नहीं कर पाए हैं, किताब से खोज रहे हैं ये वो, तो दिक्कत हो रहा है। तो आप थोड़ा सा आंसर उसको दे दीजिएगा तो अच्छा होगा। तो इसलिए हम आपको आंसर भी साथ साथ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमको समन्वय निर्देश नहीं बोलना है, क्योंकि समन्वय निर्देश एक बार हम बोल चुके हैं एक वीडियो में। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हम लोग का जो है अभी एग्ज़ाम होगा 4 यूनिट में, 4 इकाई में, और प्रत्येक इकाई में 20 अंक होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में जो है क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। ठीक, यहाँ पे अथवा से क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है वियतनाम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, वियतनाम में उपनिवेश विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी। यहाँ से आपका थोड़ा सा भी क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर में, यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेंडन वुड समझौता से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। 18वीं सदी के माध्यम से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, दो कारण बतावे। गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। इसको थोड़ा सा हम डील कर देते हैं, असहयोग आंदोलन, इसका मतलब होता है 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1927 ईस्वी में, 1927 में गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। उसमें बताया था कि अंग्रेज़ के ना कोई चीज़ हम लोग को लेना है, ना उनके कोई भी चीज़ में हमको सहयोग करना है। जैसे मान सकते हैं कोई इंडियन अगर कहीं पे नौकरी कर रहा है तो उस नौकरी को भी छोड़ देगा, वो पद भी छोड़ देगा, उसका कोई पोशाक नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह का जो आंदोलन चलाया था, तो वो आंदोलन आपका काफ़ी ज़ोर शोर और खूब कम समय में वो काफ़ी ग्रो हो पाया था, जिसके कारण एक जगह में आपका एक उत्तर प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश में एक थाना में हादसा कर दिया था, यानी थाना में जनता क्या कर आग लगा दिए थे। तो वो एक हिंसाजनक होने स्टार्ट हो गया था, इसीलिए उस आंदोलन को गांधी जी ने आपस ले लिया था। बस यही सब चीज़ है। 6 नंबर है, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। 6 नंबर में अथवा से क्वेश्चन रहेगा, औपनिवेशिक भारत में उपनिवेश किस तरह उपनिवेशों और राष्ट्रवादों दोनों के लिए लाभदायक था। यहाँ पे दिए गए जो है रेखा मानचित्रों पर नामांकित स्थानों को दर्शाइए। यहाँ पे आपको हर चीज़ को दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इकाई 2 जो है आपका भूगोल, भूगोल जो है यहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। निम्नों में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद है उद्योगों की अस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बतावे। यहाँ पे जल दुर्लभता क्या है, इनके 3 मुख्य कारणों को लिखे। बहुउद्देश्य परियोजना से होने वाले कोई 5 लाभ का उल्लेख करें। यहाँ से अथवा से क्वेश्चन रहेगा, एक पैव फसल का नाम बतावे तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दे। 12 नंबर है आपका, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषण करता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझावे या सुझाइए। 13 नंबर यहाँ पे एक भारत का मानचित्र रहेगा, क नंबर में, ख नंबर में और एक मानचित्र रहेगा, इसको आपको ये करना है। यहाँ सब आपका शुरू होता है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्रों में कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको डैश डैश करके, यानी फिल इन द ब्लैंक रखता है, और उसमें आपको
कोष्ठक में यानी ब्रैकेट के अंदर दो आपको ऑप्शन दिया जाता है, उनसे ही आपको भरना होगा। सांप्रदायिकता आधार पर डॉट 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 सांप्रदायिकता का दूसरा रूप ले लेता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव में डॉट 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 की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जाति या धर्म। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो उदाहरण दीजिए। ब्रजीलियम में सत्ता की साझेदारी की व्याख्या व्यवस्था की चर्चा करें। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। दबाव समूह की गतिविधियों और लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। किसी किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। लोकतंत्रों को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा करें। यहाँ से आपको शुरू होता है इकाई 4 अर्थशास्त्र। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, बांधों का क्या लाभ है, वस्तु विनिमय किससे कहते हैं, मुद्रा की परिभाषा दे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग ऐसे मनरेगा कहते हैं, 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगावे। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे सहायता यानी मदद करता है। व्यापार और निवेश नीतियों का उद्देशीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता कैसे पहुंचती है। तो ये आपका था क्वेश्चन, आप लोग को ये क्वेश्चन जहाँ तक ये होगा आप देखेंगे और इसको बनाएंगे। नहीं अगर आपसे बन रहा है तो इसका आंसर मेरे पास बना हुआ है, हम इसका आंसर भी दे देंगे। और आप लोग अपने मित्रों को दोस्तों को इस सब वीडियो को शेयर करते जाइए। इस वीडियो में ही तक, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।